वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले और जो बड़ी खबर थी कि सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं का 30% क्षैतिज आरक्षण बरकरार रहेगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश को जो है स्टे लगा दिया गया है, और इससे तमाम जितने भी शैक्षिक संस्थान से और उसके अलावा जितने भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की तमाम भर्तियां थी उनका रास्ता जो है खुल गया है। उसके अलावा पीसीएस की एक नई कट ऑफ जारी होगी, उसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 1064 पदों पर जो है भर्ती का रास्ता खुलेगा। उसके अलावा फिर बदल सकती है पीसीएस की जो कट ऑफ है, यानी कि आप देख सकते हैं महिलाओं के 30% क्षेत्र आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे मिलने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री की कट ऑफ एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। आयोग ने 19 अक्टूबर को उत्तराखंड महिला आरक्षण हटाने के बाद फिर से जो है यहां पर कट ऑफ जारी कर दी। तो आप देख सकते हैं अगर ये कट ऑफ फिर से आती है तो आप देखेंगे कि कई और फीमेल कैंडिडेट्स को इसमें जो है मौका मिल सकता है। उसके अलावा आपको याद हो 1064 पदों के लिए जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती को रोक दिया गया था, क्योंकि आरक्षण का मामला उसमें अटक रहा था। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पद थे अभियोजन अधिकारी के 63 पद, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पद, उसके अलावा खान अधिकारी के और उसके अलावा भू वैज्ञानिक के 8 पद, उसके अलावा तमाम और भी पद यहां पर आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग पीसीएस जे और विभिन्न सहायक अभियंता की। कुल मिला के जो सचिव हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, उन्होंने कहा कि अब सभी भर्तियों का रास्ता ओपन हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही कि जल्द ही आयोग नई भर्तियों को भी यहाँ पर खोलेगा, क्योंकि आपको याद हो इससे पहले हमने आपको बताया था कि लोक सेवा आयोग ने आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कई अध्याचन जो है शासन को वापस लौटा दिए हैं। तो उनमें से आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आयोग की परीक्षाओं में अब स्वाभाविक रूप से तेजी आएगी। आयोग ने 30 परीक्षाओं के भर्ती प्रस्ताव वापस शासन को भेजकर महिला और दिव्यांग आरक्षण पर लेकर परामर्श मांगा था। ये भर्ती प्रस्ताव भी अब जल्दी आयोग को मिल जाएंगे। 3 परीक्षाएं जो पूर्व में हो चुकी थी उनका रिजल्ट भी जल्द यहां पर जो है घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब और उसके अलावा जो अगली बड़ी खबर है वो कुछ खास नहीं है, और ये इसके बारे में शासन को सोचना चाहिए कि उत्तराखंड शिक्षा में उत्तराखंड फिर पिछड़ा, यानी कि उत्तराखंड जो है शिक्षा के मामले में आप देख सकते हैं फॉर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई की रिपोर्ट में 37 राज्यों में आप देख सकते हैं कि 35वें स्थान पर उत्तराखंड रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जो है इंटरनेट के सिर फोड़ा ठीक रहे, यानी कि आप देख सकते हैं जब इस तरह की रिपोर्ट आती है अगर वाहवाही अगर बटोरनी हो तब वो जो है अपना नाम आगे करते हैं, लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं तो यहाँ पर जो है दूसरों को ब्लेम देना यहाँ पर जारी कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1000 में से उत्तराखंड को मिले 719 अंक, केरल महाराष्ट्र पंजाब पहले स्थान पर हैं। आप देख सकते हैं पीजीआई में बीते 4 वर्षों में उत्तराखंड का प्रदर्शन, तो आप देख सकते हैं ये साल दर साल आप देख सकते हैं डाउनग्रेड ही रहा हुआ है। 2017 में 704 पॉइंट्स मिले थे, 18-19 में 712, 19-20 में थोड़ी अच्छे इसमें आई थी, यानी कि आई थिंक कोविड के टाइम पे इसमें थोड़ा सा वो हुआ था, इस वजह से शायद इसमें उछाल आया होगा, लेकिन फिर 2021 में आप देख सकते हैं 719, 37 राज्यों में से 35 इसमें जो है 35वां स्थान यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम और भी यहाँ पर चीज़ें हैं जिसकी वजह से टोटल यहाँ का जो है इंडेक्स या फिर परफॉर्मेंस आप कह लीजिए उत्तराखंड का जो है शिक्षा के क्षेत्र में डाउन हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो उसके अलावा 34वें नंबर पर लुढ़का, ठीक है, केंद्र की ओर से 37 यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें करवाई गई थी कंपटीशन, इसके लिए आप देख सकते हैं निदेशक एकेडमिक शोध एवं प्रशिक्षण सीमा जौनसारी ने क्या कहा कि उत्तराखंड अधिकांश क्षेत्रों में 100% काम कर चुका है, इसीलिए नए की संभावनाएं कम हो जाती हैं। संभवतः यह भी एक वजह हो सकती है। बहरहाल रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, इस विषय पर दिल्ली में बैठक हो रही है, उत्तराखंड के अफसर भी भाग ले रहे हैं, इस आधार पर भावी रणनीति भी
तय की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से सभी लोग अपना यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या जिस तरह से इनके बयान है इसको आप समझेंगे कि उत्तराखंड अधिकांश क्षेत्रों में 100% काम कर चुका है, इसलिए नए संभावनाएं कम हो जाती हैं, वो भी शिक्षा के स्तर में नए संभावनाएं कभी कम नहीं हो सकती, नया ही हमेशा याद होता है। तो इस तरह से आप हमारे अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सभी को पल्ला झाड़ना होता है। उसके अलावा नीट यूजी के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि अब 9 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो यहाँ पर जो है अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज में पीजी यूजी के जो है यहाँ पर टॉप मेरिट लिस्ट यहाँ पर आई हुई है, यानी काफ़ी हाई यहाँ पर मेरिट लिस्ट चल रही है। उसके अलावा पीसीएस मेंस को लेकर जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 36 आरक्षण की वजह से इसकी कट ऑफ फिर से आपको चेंज दिखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या उन्होंने कहा है कि जो मेन आपको समझने वाली बात है कि जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई घोषित किए जा चुके हैं वह जनवरी में होने वाले परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा के परिणाम में उत्तराखंड महिला आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार समूह ग में भी लाभ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि अब समूह ग की जितनी भी भर्तियाँ हैं, लाइक आपने लेखपाल, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड की जमाम जो विज्ञप्तियाँ आ गई हैं, जो भविष्य में भी विज्ञप्तियाँ आएंगी उनमें भी जो है 30% फीमेल यहाँ पर आपको जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो कट ऑफ है उसमें भी आपको जो है बहुत जल्दी फेर व बदल देखने को मिलेगा। उसके अलावा भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी में 2 यहाँ पर धरे गए हैं। तो आप देख सकते हैं दिनेशपुर थाना में अग्निवीर भर्ती कराने को लेकर जो है यहाँ पर 2 लोगों के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का दावा है कि ये दोनों आरोपी अब तक 200 युवाओं से धोखाधड़ी कर चुके हैं, जबकि इनमें से 50 युवा अपनी मेहनत के दम पर सेना में भर्ती हो गए थे। तो इस तरह से तमाम चीज़ें उत्तराखंड के युवाओं के साथ हो रही हैं, तो इससे आप जो है बचने की कोशिश करें। उसके अलावा अगले साल हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। उत्तराखंड जो है दूसरा राज्य देश में बन गया है, यानी कि आप देख सकते हैं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अगले साल से MBBS की जो पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी मीडियम भी यहाँ पर होगी। और जो सबसे बड़ी और अंतिम खबर है कि UGC नेट रिजल्ट आज घोषित होगा, यानी कि आप देख सकते हैं नेट GRF का जो रिजल्ट है NTA आज जो है घोषित करेगी। जो UGC के अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि परिणाम NTA की वेबसाइट पर जो है यहाँ पर बहुत जल्द आज आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी हम जो है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।